तो जैसा आप तो इधर से आप लोग देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ कैपिटल से, और यहाँ से देख सकते हैं काले बादल आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए कितना काला बादल। तो जैसा अच्छा, तो सबको हाई करो फिर, जो जो ब्लॉग देख रहे हैं। तो देखिए इस टाइम बहुत ही अच्छा बरसात हुआ। हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए कि नए ब्लॉग के साथ में फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसमें, और जो आज का ब्लॉग है फिर से नैनीताल के वेदर को, उसमें टूरिज्म को, उसमें पर्यटक को, उसमें दिखाना वाला हूँ नैनीताल का वेदर कैसा है, कैसी बारिश हो रही है, कैसा वेदर है, कैसे टूरिज्म है, कैसे पर्यटक है। और इस टाइम मैं हूँ नैनीताल के स्थान, नैनीताल की लेक के पास। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में बने रहेगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी अब छोड़ देंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं नैनीताल की हसीन वादियाँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, इस टाइम पहुँचे हुए नैनीताल के सामने, नैनीताल के लेक के पास, और कुछ इस तरीके से नज़ारा है आज। पर्यटक नहीं है, ऑफ सीजन चल रहा है। वेदर की बात करूँ तो वेदर कुछ इस तरीके से देखिए, और आज बारिश भी नहीं हुई है, तो वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है कि कल भी दिन में बारिश थी, उसके बाद बारिश नहीं हुई, फिर आज बारिश नहीं हुई। तो ये जुलाई का महीना चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मूसलाधार बारिश थी, चार दिन लगातार बारिश थी, हालत ख़राब थी, पानी का लेवल तो बढ़ गया है, बस एक दो तीन चार स्टेप पानी नहीं है सीढ़ियों में, बाकी तो ऊपर तक पानी है ही। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से नज़ारा जैसा आप देख रहे हैं सामने ही, और यहाँ देखिए पर्यटक बहुत कम नज़र आ रहे हैं इधर। तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा सामने, देख सकते हैं आप लोग, और लेक में बोटिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं इस टाइम। तो इतनी भी बोट्स नहीं चल रही, कम चल रही है बोट्स, लेकिन आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा नैनीताल का। आधे से ज़्यादा बोट तो खड़ी हुई हैं, देख रहे हैं आप सामने, ये सारी लाइन तो खड़ी हुई हैं ये बोट। तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा देखिए, और उधर की तरफ धूप भी आ रही है, इधर की तरफ धूप आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो इधर से आप लोग देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ कैपिटल सिनेमा हॉल के पास, और यहाँ से कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है ये। और तो पानी का लेवल देखिए, और मछली तो आप साफ नज़र आ रही है, थोड़ा पानी साफ़ हो गया है, क्योंकि जब बरसात हो रही थी पानी आ रहा था तो उसे गंदा पानी हो जा रहा था, मिट्टी का इधर उधर का पानी, लेकिन अब साफ हो गया है। और कुछ इस तरीके से नज़ारा देखिए सामने, और सामने बैंड हाउस, बैंड हाउस में आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्यटक आपको नज़र आ रहे हैं। और लेक हमारी लबालब, बोट्स उतनी नहीं चल रही हैं जितनी चलनी चाहिए। और सामने बोट हाउस क्लब, और इधर की तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ी, पहाड़ी के ऊपर देख सकते हैं बादल, कोहरा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, तल्ली ताल की तरफ, इधर की तरफ बढ़िया धूप आ रही है, शानदार धूप। और मैं हूँ कैपिटल सिनेमा हॉल के पास, तो कुछ इस तरीके से वेदर। और यहाँ से देख सकते हैं काले बादल आ रहे हैं, लेकिन कब बरसते हैं कुछ पता नहीं। ये देखिए कितना मोटा काला बादल है ये, और ये नैना पिक की तरफ से आ रहा है, इधर की तरफ से सूरज धूप देते हुए, और इधर की तरफ देखिए नीला आसमान है, लेकिन जहाँ इधर को कैमरा करेंगे तो इधर की आप तरफ देख सकते हैं काले बादल बिल्कुल। और ये चिल्ड्रन पार्क तो बंद है पूरा, ये पता नहीं कब खुलता है, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे नाव चालक अपने आप बातें कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इधर की तरफ ये काले बादल बिल्कुल, देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से काले बादल हैं। और लेक की बात करें तो इस टाइम मैं लेक के पास ही हूँ, थोड़ी देर में खड़ा हुआ लेक देख रहा हूँ, धूप आ रही है फर्स्ट क्लास तरीके से, बोटिंग कर रहे हैं लोग, और सीज़न नहीं है, सिर्फ ऑफ सीज़न है, तो हर तरफ शांति शांत है, शांति वातावरण है हर तरफ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो देखिए इस टाइम मैं फुटपाथ के पास हूँ, और फुटपाथ के पास कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है ये। और सामने की बात करें तो सामने कुछ इस तरीके से नज़ारा देख सकते हैं सामने बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हवा चलते हुए। और मैं आपको DSM फील्ड का दिखाऊँ, तो DSM फील्ड में कुछ इस तरीके से नज़ारा जैसे आप देख रहे हैं ये, तो देखिए कितना काला बादल है, ये देखिए कितना काला बादल, तो देख रहे हैं आप लोग कितना काला बादल है ये। तो कुछ इस तरीके से बादल आ रहे हैं, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम हम गार्डन के अंदर, और कुछ इस तरीके से नज़ारा है जैसा आप देख सकते हैं ये। तो आप देख सकते हैं पहाड़ी, और ये बच्चे झूल रहे हैं यहाँ पे, तुम यहाँ झूलने बड़ी दूर आ गए हो, मदरसा गोल मार दिया, मदरसा गोल मार दिया तुमने ना, दिखाऊं तुम्हें वीडियो में,
ये देखो ये बच्चे मदरसा पढ़ने के बहाने यहाँ घूमे हैं। आप कितने बजे जाओगे? नमाज पढ़ने आए थे। नमाज पढ़ने आए थे, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब जाएंगे। अब जाओगे? अच्छा, तो सबको हाई करो फिर, जो जो ब्लॉग देख रहे हैं। हाय। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये है नज़ारे, और ये मेरे जानने वाले हैं, इसलिए मैं इनको छेड़ रहा हूँ। ये मुझे जानते हैं, ब्लॉग भी देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा, देखिए। तो देखिए इस टाइम फुटपाथ वहाँ फुटपाथ में दुकानें लग गई हैं, कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही हैं दुकानें, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कैसा कैसा सीज़न, ठूसा ठूस रहती थी, यहाँ से निकलने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब पर्यटक उतने नहीं, तो आराम से लोग अपना घूम रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो ये है नैनीताल की फुटपाथ, स्केच बना सकते हो आप लोग। इस तरीके से फुटपाथ का नज़ारा है। तो आज से ज़्यादा दुकान वाले तो बैठे हैं, सुनसान चुपचाप बैठे हैं। तो यह है फुटपाथ का नज़ारा। तो हम पहुंच चुके हैं भूटिया मार्केट, चाट मार्केट, तिब्बती मार्केट के पास। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और ये देखिए ये आप गिफ्ट के तौर पे देख सकते हैं। और यह पार्किंग, थोड़ी सी पार्किंग दिखाऊंगा, क्योंकि पार्किंग आजकल खाली है, यहाँ बाइक पार्क कर सकते हैं ये पूरी। तो यह पार्किंग देखिए, तो आजकल काफ़ी स्पेस है इस पर गाड़ियाँ, और सीज़न में तो ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे फुल हो जाती है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है गाड़ियाँ, तो 100 मीटर आगे भेजा जाता है फिर आप लोगों को। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है इन्हें, यहाँ पर पार्किंग खाली, और गाड़ियाँ तो अभी लगी हुई लेकिन उतनी लगी फुल नहीं है। और यहाँ से वेदर चेक करिए, देखिए कितने काले बादल देख रहे हैं आप लोग, काले बादल, और इधर को देखिए नीला आसमान, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी, बरस जाए बादल, बरस जाए वाला गाना सुना आप लोगों ने, तो वैसा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से काले बादल ये, और यह पार्किंग। और अब तो 1.5 महीने बाद यहाँ पर मेला शुरू है, नंदा देवी फेस्टिवल, 8 सितम्बर से 15 सितम्बर तक। तो फिर से खाली हो जाएगा, यहाँ दुकानें लगेंगी, बस ये जुलाई चल रहा है, फिर अगस्त आ जाएगा, फिर 8 सितंबर से यहाँ मेले की तैयारी शुरू हो जाएंगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मेले की तैयारी चल रही है, कैसे गतिविधि चल रही है, कैसे झूले आ रहे हैं, सारी मैं दिखाऊंगा, क्या बोली लग रही है दुकानों की। तो फिलहाल और मेरे लिए जो मेले में दुकान वाले आते हैं ना, वो भी ब्लॉग देखते हैं, तो उनको मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि 8 सितम्बर से यहाँ मेला शुरू होने वाला है 15 तारीख तक। तो आप लोग अभी से मुस्तैद हो जाएँ बिल्कुल। फिलहाल ये देख सकते हैं आप लोग, और काला बादल आ गया है। तो देखिए इस टाइम मैं बहू भाई की शॉप पे आ चुका हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद बहू भाई को मैं अपने ब्लॉग में ले रहा हूँ, तो आपका मेरे ब्लॉग में वेलकम है। तो कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो जी आजकल जो सीज़न हमारा चल रहा था और जो बरसात चल रही थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बरसात बहुत ही अच्छा बरसात हुआ, कुछ ही दिनों में हमारी झील भर कर फुल हो चुकी है जी। अब थोड़ा ही हमको 2-4 फीट की जरूरत है, बिल्कुल फुल लपालप भीड़ बारिश से भर गया है, क्योंकि अभी दो दिन हुआ, आज तीसरा दिन है बारिश बंद हुआ जी। बहुत ही अच्छा वेदर है, अभी हल्का हल्का कभी किस टाइम रिमझिम बारिश हो रही है, नहीं तो खुलकर बहुत अच्छा है। कल रात को अचानक सा बहुत ज्यादा मौसम खराब हुआ था, रात भर की मतलब की बादल ऐसे गरजे और बिजली गरजती रही, मैंने छोटा सा ब्लॉग भी बनाया है उसमें, इतना गरजता हुआ मैंने कभी नहीं देखा जी। तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात हुई। लेकिन बिजली गरजती है एक दो बार तो, क्योंकि रुक जाता है। हाँ। इस बार मैंने इतना देखा, कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में देखना, बिल्कुल लाइट जलती रही। मैं आपको बता दूं, जो ये ब्लॉग देख रहे थे, हमारे बहु भाई का भी एक यूट्यूब में चैनल है, BOWAY UK04, वहाँ जाके विजिट करिए और देखिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। तो कल हमारे सर ने दिखाया था कि पूरी बिजली ऐसी चमक
रही थी, डर भी लग रही थी और पूरा ऐसा जब वो चमक रही थी ऐसा लग रहा था पूरे नैनीताल में लाइट आ जा रही थी, नाइट के तरह चमकती रह रही थी, रुकी नहीं, एक घंटे तक मैंने देखा जी। आपने तो व्लॉग बना भी दिया, मैंने व्लॉग नहीं बनाया डर के मारे, डर मैंने फिर भी हिम्मत करके आप तक ये चीजें पहुंचाऊं क्योंकि अजीब सी चीज है कुछ जी बिल्कुल कुछ इस तरह का घटना कहीं ना घटे, बादल फटे यार गाड़ी गिरे इस टाइप का मुझे लगता था, पर ऐसा कुछ कहीं भी नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ बढ़िया जी 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 बिल्कुल। जो भी हम लोग को देख रहे हैं, आप देख कर यहाँ प्लान करना चाहते हैं बिल्कुल आए, कोई भी शोर शराबा नहीं है इस वक्त, सब कुछ का रेट सस्ता, बिल्कुल सब कुछ सस्ता हो गया, इंतजार स्वागत है आपका जी जी। तो आपका मेरे व्लॉग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया, आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसने नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।